Hi my babies, how are you all? I hope you all are fit, fine and very happy at your home. Well, हमने पहले क्या पढ़ा था Phrases याद हैं Phrases वो होते हैं जो words का group होता है जो हमें थोड़ी सी information तो देते हैं लेकिन सारी की सारी meaning या सारी बात नहीं बताते right? अब हम फिर से कुछ और phrases पढ़ने वाले हैं जो इस बार थोड़े से बड़े हैं लेकिन अभी भी ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है ओके okay? तो क्या करना है हमको रीड एंड राइट दैट्स इट हमको ये सब अच्छी तरह से रीड करना है ताकि हम बोलने की प्रैक्टिस कर सकें और हमको यही चीज़ लिखनी भी है ताकि हम लिखने की भी प्रैक्टिस कर सकें ओके सो मैं करना शुरू करती हूँ ठीक है a a p o t pot a pot on on a cot c o t cot a pot on a cot पॉट ऑन ए कॉट ऑन मीन्स पर ऊपर यहां पर राइट खटिया पर एक पॉट है मैन इन अन अ मैन इन अ वैन अ

a hand in a Dan. a hand in a Dan a hand see hand a hand in a Dan. den means gufa okay next one is a pen on a bed. see? A pen, a, bed. a pen on a bed. a pen on a bed. a pen on a bed. now, the last one is a fox on a box. a box in right? a fox on a box. Fox on a box. तो आज हमने इतने सारे सेंटेंसेस का पार्ट सीखा ओके okay? और साथ ही हमने ऑन और इन का यूज सीखा ऑन दैट मींस पर इन दैट मींस मे वैन में, When, में. खटिया पर राइट right? अब हम इनको बोल कर लिख कर बार बार प्रैक्टिस करेंगे है ना ठीक है आप करेंगे ना, प्रॉमिस मी, आप बहुत अच्छी तरह से इसको लर्न करेंगे ओके बेबीज बाय बाय